हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन छात्रों की परीक्षाएं किसी कारणवश छूट चुकी थी या फिर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या फिर किसी का एग्ज़ाम सबमिट मतलब एग्ज़ाम सबमिट नहीं हुआ, या फिर कुछ कंप्यूटर वगैरह में प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो किसी भी तरह से मान लीजिए किसी भी छात्र का अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उन लोगों के लिए क्या होता। अब दोबारा से डेट जारी की थी एग्ज़ाम की, जो जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम सबको बताया था, लेकिन उसके बारे में एक कंडीशन अब और आ चुकी है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, वो बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्या लॉजिक है देखिए, समझना बात को। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो अपडेट है, सबसे पहले तो क्या है, जिसकी डेट थी वो 11 जुलाई थी फीस पेमेंट करने की, ठीक है, सबको बताया कि 11 जुलाई इसकी फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट थी। उसके बाद इसको 14 कर दिया गया था, जो जिस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, ठीक है, 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट कर दी गई थी। लेकिन भैया अब फिर इसको बढ़ा करके 22 तारीख कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो डेट है दोबारा से अब बढ़ाई जा चुकी है, ठीक। तो जिन छात्रों के फ़ीस पेमेंट अभी तक नहीं हुई है तो अपना जो है अपने फ़ीस पेमेंट कर लेना। अब चाहे तो आप अपनी आईटीआई से करवाइए, चाहे अपने आप कहिए, 376 रुपये आपकी जो है फ़ीस है, जैसे आप लोग जानते हो कटनी है कंप्यूटर से, आप कटवा सकते हो कटवा लेना, वरना अन्यथा अपने टेंशन फ्री होकर के अपनी आईटीआई से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आप जो है अपना आईटी जो है फ़ीस वगैरह कंप्लीट करवा देना, फीस जमा कर देना। अब भाई ये तो रही बात, अब इस 22 जुलाई वाले मुद्दे पर आ जाओ, टिक जाओ यहाँ पर आकर। शुरू से ही मैं एक बार बताता आ रहा हूँ आपको भाई, मुझे गड़बड़ हो सकती है एग्ज़ाम में, मतलब मेरा मतलब चेंजेस हो सकता है कुछ एग्ज़ाम में गड़बड़, यही मान लीजिए। चलिए 22 जुलाई है फीस पेमेंट की डेट, एग्ज़ाम कब बताए जा रहे हैं, जुलाई लास्ट में, ठीक है, जुलाई लास्ट में जो है, जुलाई लास्ट की मतलब जुलाई लास्ट वीक में है ना, तो यानी कि जुलाई के सिर्फ अंतिम सप्ताह में जो है पेपर बताए जा रहे थे, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा कि जो फीस पेमेंट है वो 22 जुलाई तक है, ठीक, यानी कि सिर्फ 8 या 9 दिन बचते हैं इस मंथ में। तो क्या आपको लगता है कि फ़ीस पेमेंट होने के 8-9 दिन के अंदर अंदर ही जो एग्ज़ाम हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। तो भाई एग्ज़ाम में चेंजेस होगा ज़रूर, क्योंकि और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, एक न्यूज़पेपर के ज़रिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम में चेंजेस हो सकता है भैया, ठीक है, हो सकता है ये अगस्त में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है जुलाई, मुझे नहीं लगता कि जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यार फ़ीस पेमेंट ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, फ़ीस पेमेंट की डेट ही अब इतनी मतलब 22 जुलाई कर दी गई है, उसके कहाँ फिर यार बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एग्ज़ाम करवाने के, है ना, सेंटर वगैरह पर मतलब काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले तो 22 तारीख तक तो फीस का ही निपटेगा काम सभी छात्रों का, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर अलग से जो है फिर टाइम टेबल भी जारी होगा। टाइम टेबल में लगभग लगभग आपसे आपको जो है लगभग लगभग एक हफ्ता मिलता ही है ना, आप लोग जानते होंगे टाइम टेबल एक हफ्ते पहले जो है आ भी जाता है, ठीक, एक हफ्ता आपको टाइम टेबल आने में लगता है, तो ये सिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता कि जो जुलाई माह के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस हो और आपके एग्ज़ाम अगस्त में कराए जाएँ, ठीक है। ये अपडेट है, मैं अपनी तरफ से लॉजिक बता रहा हूँ फिलहाल, ये अब ये मत सोचना कि जुलाई में कैंसिल हो चुके हैं, कभी आप मुझे दोस्त दो फिर बाद में, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, फिर आप पूछते ना अपना सर अपना ओपिनियन बताइए। तो मेरा ओपिनियन यही है कि जुलाई लास्ट में पेपर नहीं होने के, ठीक है, मैं इतना ही कन्फर्म कर पा रहा हूँ फिलहाल। तो भाई बाकी देखते हैं, होंगे तो 100% सही है, नहीं हुए तो फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। अब जिन छात्रों का एडमिशन 2020 में हुआ है वो भी सुन लीजिए, ठीक, उनका कोई भी फीस पेमेंट अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही ओपन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। और इन छात्रों की जो परीक्षाएं हैं वे अक्टूबर के समथिंग हो सकती है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है भाई। और रही बात बैक वाले छात्रों की, तो बैक वालों का अलग से पोर्टल जारी किया जाएगा फ़ीस पेमेंट का, वो जब जारी होगा सब आपको बता दिया जाएगा। तो ये अपडेट थी, अब इसको जो जितने भी छात्रों की फ़ीस पेमेंट आ रही है अपना कर लेना आराम से, ठीक है, एग्ज़ाम पर जैसे ही अपडेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।